मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज है सरस्वती पूजा का दूसरा दिन और पंडित जी ने बोला है कि वो सुबह 8 बजे आएंगे, तो इसलिए मैं बहुत सुबह उठ के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, अब बस पंडित जी आएंगे और पूजा करेंगे। सेकंड डे पे हमारे यहाँ पे खोए और दही दिया जाता है, तो वही देने के लिए आएंगे और पूजा वगैरह होगा सेकेंड डे का और फिर विसर्जित कर दिया जाएगा। बट देखते हैं कि आज विसर्जन होता है कि कल। मैं विसर्जन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मम्मा मम्मी नहीं उठी है क्योंकि इतनी सुबह मैं उसको नहीं उठाना चाहती थी और कल उसने इतना ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी किया है कि उसको नींद की ज़रूरत है, इसलिए वो सो रही है। बस हम घर के कुछ लोग उठे हैं, बड़े लोग, और उसके दादाजी उसके पास बैठे हुए हैं और हम सब यहाँ पे पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो दूसरे दिन की पूजा शुरू होने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के दिन मैं कैसे बताती हूँ और माँ सरस्वती का विसर्जन कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारे यहाँ घर का माँ सरस्वती है जो आप लोग कल ही देख चुके हो। और आज की तैयारी में ये है पोहा, जिसको बंगाली में चीड़े बोलते हैं। उसको भिगो के ऐसे रखा गया है क्योंकि आज पोहा दिया जाता है। और ये है मुर्की और खोई और वो है दही। यही आज भोग चढ़ता है माँ सरस्वती को, तो यही दिया गया है। सुबह सुबह पूजा कंप्लीट हो चुका है और आज कुछ खास और नहीं है, तो मिलते हैं कल। कल है माँ का विसर्जन। तो आज है पूजा का तीसरा दिन और आज माँ सरस्वती का निरंजन है। आज विसर्जित कर देंगे हम माँ सरस्वती को, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं अभी। जय सरस्वती माई की जय जय। तो माँ सरस्वती का विसर्जन हो गया, इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल माँ को हम घर फिर से लाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।